बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। टुडे इज 15 जुलाई 2020 एंड मेंस डे। नाउ क्लास 4, आई हैव अ न्यू टॉपिक टुडे, अनकाउंटेबल नाउंस क्वांटिटी। दिस टॉपिक इज आल्सो रिलेटेड विद द लास्ट टॉपिक। समटाइम्स वी यूज अ वर्ड और वर्ड्स विद सम अनकाउंटेबल नाउंस टू गिव एन आइडिया ऑफ क्वांटिटी, हाउ मच। For example, no electricity, some toothpaste, all his money, too much coffee. Yes, students, as you know the meaning of quantity, quantity means miqdar. Uncountable noun के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हम इनको मिकदार से, मेजरमेंट से जाहिर करते हैं। इस मिकदार, इस मेजरमेंट्स को हम क्वान्टिटी कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउंस को हम काउंट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी काउंटेड, सो वी एक्सप्रेस देयर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई बिजली नहीं, सम टूथपेस्ट, थोड़ा सा टूथपेस्ट, ऑल हिज मनी, उसके सारे पैसे, टू मच कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी। यू मस्ट रिमेंबर दैट दीज वर्ड्स गिव अस only an idea of quantity, little, some, much, but not the exact number or count. In words से जिससे हम quantity ज़ाहिर कर सकते हैं, इनसे हम counting नहीं कर सकते। uncountable nouns की 1, 2 करके हम counting नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ इनको हम quantity में express कर सकते हैं, uncountable nouns को। With some uncountable nouns, we can use a word or words to give an idea of quality, of what kind. Uncountable nouns, quantity के साथ साथ quality ज़ाहिर करने के लिए भी हम इनके लिए words use करते हैं। For example, bad luck, foul weather, good tea and so on. जैसा कि luck को यहाँ पर जो है express कर रहा है bad, ये quality बता रहा है luck की, बैड लक यानी कि बदकिस्मत। वेदर की क्वालिटी बता रहा है फाउल वेदर यानी कि धोखेबाज मौसम। गुड टी यानी अच्छी चाय। नाउ द आर्टिकल द कैन बी यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस। यस क्लास 4, यू हैव रेड आर्टिकल्स इन योर क्लास 3। आप जो है क्लास 3 में आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे। आर्टिकल्स आर आ, अन और द। आ, अन आर यूज्ड, आ यूज्ड बिफोर आ कॉन्सोनेंट साउंड, अन यूज्ड बिफोर अ वोवल साउंड एंड द इज यूज्ड बिफोर अ डेफिनाइट नाउन। आर्टिकल द हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउंस के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, countables, the boy work very hard to finish the task in time. Boy is countable noun, so we use the before it. Task is also countable noun, we use the before it. The boys work very hard to finish the tasks in time. Boys is also countable noun, we use the before it. Task is also countable noun, we use the before it. Uncountable noun, the water is in the kettle was boiling. Water is uncountable noun and we are using the before it. Water जो है वो uncountable noun है और हम इससे पहले the use कर रहे हैं। The article a or an, however, can be used only with countable nouns. मैंने अभी आपको ऊपर समझाया थोड़ी देर पहले कि आर्टिकल्स आ और अन जो है वो सिर्फ काउंटेबल नाउंस के साथ यूज़ होते हैं, क्योंकि आ और अन एक चीज़ को ज़ाहिर करता है, सिंगल नाउन को ज़ाहिर करता है। वी सॉ अ मैन वॉकिंग डाउन द रोड। वी यूज़ आ बिफोर मैन बिकॉज मैन इज़ स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड एंड व्हेन देयर इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज़ आ। Our rose is a beautiful flower. Our rose is a beautiful flower. We use a before rose because a rose is countable noun and rose is beginning with consonant sound, so we use a before it. Children were thrilled when they saw an elephant at the zoo. We
वी यूज अन बिफोर एलिफेंट बिकॉज एलिफेंट इज बिगनिंग विद द वाउल साउंड एंड वी यूज अन एक एलिफेंट. An ostrich is a bird that can fly, that cannot fly. An ostrich. Ostrich is also beginning with vowel sound, so we use an. Yes, students of class 4, there is an exercise C on page number 8. In this exercise, you have to choose the correct word from the bracket. First, I'll give you the answer. I want to explain it. कि हम जो हैं यहाँ पर आपके पास अनकाउंटेबल नाउन्स ब्रैकेट में दिए हुए हैं. अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में शो नहीं करते. कुछ स्पेशल केसेस होते हैं उसमें हम लगा सकते हैं प्लूरल फॉर्म एस, लेकिन यहाँ पर जितने भी अभी अनकाउंटेबल नाउन इस वक्त एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, इसमें कोई भी जो है वो उसमें एस वाली फॉर्म नहीं शामिल होगी. John wanted some advice or advices from his teacher as he had failed his mathematics test. John wanted some advice. Okay, that is correct. Would you like your tea or teas with or without milk? Tea is correct. Their room was cluttered with a lot of furniture or furnitures. Furniture is correct. Susan loaded all her luggages into the boot of her car. Luggage is the correct. He went out to buy some bread or breads from the shop round the corner. Bread is correct. I do not like loud music. Music is correct. Can you lend me some money? Money is correct. He cut his finger badly and there was or were a lot of blood or bloods all over the floor. He cut his finger badly and there was a lot of blood all over the floor. In ninth, Sarah has cut her hair or hairs very short. Hair is correct. The people in the room made so much noises that I could not hear what the speaker said. Noise is the correct. Now class 4, this is your homework. Copy down exercise C in your notebooks. Till then, next lecture, Allah Hafiz.